दूसरे टॉप पर आईएएस टीना डाबी दोबारा शादी करने जा रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने मंगेतर के साथ तस्वीर शेयर की है। टीना डाबी जिनके साथ शादी कर रही हैं, वो 2013 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप गवाने हैं। वो टीना डाबी से उम्र में 13 साल बड़ी भी हैं। महाराष्ट्र के प्रदीप गवाने राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। टीना डाबी ने प्रदीप गवाने के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ये वो मुस्कान है जो तुमने मुझे दी है। साथ ही उन्होंने हैशटैग फियांसे लिखकर ये भी बताया है कि प्रदीप उनके मंगेतर हैं। प्रदीप गवाने ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोनों की तस्वीरें शेयर की हैं। टीना और प्रदीप 22 अप्रैल को जयपुर के एक निजी होटल में शादी कर रहे हैं। दलित समुदाय से आने वाली टीना डाबी ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। वो यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने के बाद चर्चा में आई थी। हालांकि इसके बाद उनकी पहली शादी भी सुर्खियों में छाई रही। टीना डाबी ने 2018 में आईएएस अजहर आमिर खान से पहली शादी की थी। 2015 में ही जहां टीना ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया था, वहीं अजहर आमिर दूसरे नंबर पर आए थे। दोनों की शादी और प्रेम कहानी के मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर खासे चर्चे हुए थे। उनकी शादी में नेता और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे। हालांकि अंतर धार्मिक शादी होने के कारण उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। 2021 में टीना और अजहर ने अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों ने फैमिली कोर्ट में तलाक ले लिया था। टीना डाबी की दूसरी शादी भी खासी चर्चा में है। हैशटैग टीना डाबी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और लोग कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर डॉक्टर गौरव गर्ग ने लिखा, प्यार में उम्र की रुकावट नहीं होती। आईएएस प्रदीप गवाने टीना डाबी से 13 साल बड़े हैं। टीना को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक यूजर अमर सिंह ने मजाक करते हुए लिखा, पहली बार देखने में प्रदीप गवाने अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं, लेकिन टीना डाबी को बधाई। एक यूजर वैदेही सिंह ने लिखा, उन्होंने आखिरकार अच्छा फैसला लिया है। किसी को भी शादी या रिश्ते में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। टीना को सभी खुशियाँ मिले। टीना डाबी ने साल 2020 में एक ट्वीट किया था, जिससे उनकी पहली शादी में अनबन को लेकर अटकलें लगने लगी थी। उन्होंने कुछ सूटकेस की तस्वीर डालकर लिखा था, आपको ये बैगेज यानी बोझ लेकर नहीं चलना चाहिए। आपका अतीत, अपराध बोध, उम्मीदें, दूसरी गलतियाँ और नकारात्मकता